आराम से, आराम से रहिए। नहीं, अनाथ साहब नहीं बोलते हैं, गाली नहीं देते हैं। प्रशासन है, औरत पे हाथ उठाता है। मेरा लेटर लगा हुआ था, बताओ कि मैं आपका मेरे पास परमिशन। हम लोग अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं और वही पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी सेविकाओं को धक्का दिया गया है। और हम पूर्वी चंपारण सेविका संघ के जिला अध्यक्ष, मुझे भी धक्का देकर बेहोश करके रोड पे गिरा दिया गया है। ये महिला दिवस के दिन पे ये प्रशासन द्वारा सेविकाओं पे जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। यही इनके साथ यही महिलाओं का शोषण अत्याचार कर रहे हैं। यही हमारे पदाधिकारी है जो महिला दिवस के दिन हमारी सेविकाओं को खून की आंसू रुला रहे हैं। हम अपनी मांग पत्र लेने के बजाय हम पे डंडा चार्ज किया जा रहा है। हम इसके लिए हम सरकार से न्याय मांगते हैं। ये जिला में बैठे हैं, ये जिला से जिलाधिकारी से हम न्याय मांगते हैं। क्यों किया गया है हमारी सेविकाओं पे शोषण, क्यों किया गया है हमारी सेविकाओं पे अत्याचार? धरना के लिए आदेश लिया गया था क्या? ये हक मांगने का अधिकार है, हम अपना हक मांगने के लिए रोड पे आए हैं। और हमारी सेविकाओं पे डंडा चार्ज किया गया है और खुद हमको धक्का देकर गिराया गया है। मेरे अधिकार को छीना जा रहा है, मेरे अधिकार का हनन किया जा रहा है। ऐसे निकम्मी सरकार है और उस निकम्मी सरकार के साथ ये पदाधिकारी लोग साथ दे रहे हैं। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम जिला में बंदी करवाएंगे, जो करना है कर ले सरकार, हम नहीं मानेंगे। आज हम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को चुनौती देते हैं, हमारी सेविका उनके गेट पे भूख हड़ताल पे बैठेगी। धरना के लिए आप आदेश लिए थे क्या? धरना के लिए खुद मेरे पास परमिशन लेटर है, सर के द्वारा दिया गया है, इसका भी आपके द्वारा फोटो ले लिया जाए। एसडीओ सर द्वारा हमको परमिशन लेटर मेरे नाम से आया हुआ है। इस अधिकार के साथ हम अपनी मांग को लेकर गए हुए थे। अधिकारी जो है, आज उनका एक प्रोटेस्ट मार्च था, इनके कुछ डिमांड्स थे, तो उनका जो भी मांग पत्र था वो डीपीओ आईसीडीएस के द्वारा ले लिया गया है और वो उचित माध्यम से सही जगह पर पहुंचा लिया गया। शांतिपूर्ण हुआ है क्या? जी, किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग आई और अपना मांग पत्र। लोग धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं, धक्का मुक्की का? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, वो आई हैं अपना डिमांड लेटर दे के और अभी आप देख सकते हैं कि वो लोग शांतिपूर्वक वापस लौट गए। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।